ईसा के करीब 550 वर्ष पूर्व जन्मे सिद्धार्थ 29 साल की उम्र में अपने राज्य अपने ऐसो आराम की जिंदगी छोड़कर आधी रात वह निकल पड़ते हैं और 6 वर्ष बीतने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसके बाद वह विश्व भर में उपदेश देने के लिए निकल पड़ते हैं और आज उन्हें हम महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ हिमांशु, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। आज बुद्ध की जयंती है और इस अवसर पर हम पटना से पहुंचे हैं वैशाली। वैशाली में उसी बुद्ध स्तूप के सामने हम हैं, जिसे लोग आज विश्व भर में जानते हैं। और इसकी जो खासियत है वह है कि महात्मा बुद्ध के 8 भाग में अस्थियों को रखा गया था, उसमें एक कलश इसी स्तूप के पास रखा गया है। हम वहाँ पर भी आपको लेकर चलेंगे, साथ ही वैशाली की सैर कराएंगे और हम महात्मा बुद्ध की खासियत और वैशाली की खासियत को बताने की कोशिश करेंगे। स्तूप के सामने उस सरोवर में है जहां से बच्चे इस कमल फूल को निकाल कर बेचते हैं। नाव रखी है, नाव पर हम बैठे हुए हैं और इस नाव पर आने से पहले यहाँ पर काफ़ी बच्चे यहाँ पर थे, लेकिन वह हमारे आने के बाद वह भाग गए यहाँ से। उन्होंने बताया कि अगर आपको बोटिंग करनी है तो 50 रुपये में वो बोटिंग कराते हैं, आधे घंटे का समय आपको मिलेगा। आधे घंटे में वो जहाँ तक होता है यह सरोवर में आपको घुमाएंगे। बाकी आप देखेंगे तो पूरे यह तालाब में जलीय पौधे उगाए हैं, अगर इसे साफ कराया जाए तो काफ़ी शानदार यहाँ पर बोटिंग की सुविधा होगी, लोग बोटिंग कर सकेंगे। बाकी अब हम आपको ले चलेंगे इसी सरोवर के उस पार। सामने आप देख पा रहे होंगे म्यूजियम बना है, वहीं पर बुद्ध की अस्थियां मिली थी। बुद्ध मंदिर है, हम यहाँ पर आए हैं और हमारे साथ बाबा हैं जो कि यहाँ पर साल 1972 से रह रहे हैं। बाबा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ की परंपरा है, वैशाली अब विश्व भर में जाना जाने लगा है, तो ये सब शुरुआत कैसे हुआ, क्योंकि आपका लंबा सफ़र रहा है यहाँ पर। वैशाली गणतंत्र की भूमि है जी, भगवान बुद्ध की कर्म भूमि है, भगवान महावीर की जन्मभूमि है और आम्रपाली की नगरी है। आम्रपाली का नाम नगर बधु आम्रपाली। यहाँ के जो राज्य सदस्य होते थे, राजा के सदस्य होते थे, वही आम्रपाली से बात कर सकते थे। जिनके पास 100 स्वर्ण मुद्रा होता था वही उसको टच कर सकते थे। जब बुद्ध आए थे वैशाली में तो सबसे पहले आम्रपाली तीर्थ स्वीकार किए थे और आम्रपाली अपना सारा संपत्ति भगवान बुद्ध को डोनेट कर दी और भिक्षुणी बन गई। और ये जो आप मंदिर में आप यहाँ पर हैं अभी साल 1972 से रह रहे हैं, इसका शिलान्यास कब हुआ यहाँ पर, यहाँ की क्या खासियत है? 1983 में जापान की एक संस्था है कि निप्पोंजन मिहोजी के हेड थे, जिनका नाम था निचिदास सुफूजी गुरुजी,
वो आए थे और वही शिलान्यास किए थे, उस दिन से ये मंदिर बन रहा है। 1990 से बनना शुरू हुआ और 96 में इसका इनॉग्रेट हुआ था शांति स्तूप का। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी ने इसका उद्घाटन किए थे। और अब तो यहाँ पर जो भगवान बुद्ध की अस्थि रखी गई है पटना म्यूजियम में, उसे लाने का काम चल रहा है। चल रहा है, कितना काम हुआ, इससे कितना बदल जाएगा वैशाली, क्या होगा? भगवान बुद्ध की जब अस्थि आ जाएगी तो वैशाली का बहुत, वैशाली में बहुत बदलाव होगा। यहाँ विदेशी लोग, अभी तो विदेशी आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जब वो आ जाएगी तो विदेशी का यहाँ ठहराव होगा, वो सब रुकेंगे। रुकेंगे। रुकने की क्या व्यवस्था है यहाँ पर वैशाली में? वैशाली में रुकने की व्यवस्था है कुछ तो, ये होटल बहुत बन रहा है, बना भी है, वहाँ लोग रहते हैं जी। अच्छा, दूसरे देशों के मुकाबले या फिर अन्य जगहों के मुकाबले वैशाली में बौद्ध धर्म की परंपरा क्या है, कितनी क्या खासियत है यहाँ की? वैशाली में एक भी बौद्धिस्ट वैशाली के नागरिक नहीं है, एक दो इन्हें चुने गिने लोग हैं, वो भी स्वार्थी लोग हैं, बौद्ध भिक्षुक बन गए हैं कि हमको कुछ मिल जाए, विदेशी लोग आके कुछ हमको दे दे, बौद्ध भिक्षुक के नाम पर कुछ ठगा ठगी कर लेते हैं। लेकिन वैशाली में एक भी बौद्धिस्ट नहीं है। हाँ, बौद्धिस्ट स्कूल है, इसमें यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं, इनको कपड़ा भी दिया जाता है, पढ़ाई भी फ्री है और कुछ अन्य पैसा भी मिलता है। तो कैसे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, कौन से बच्चे? बच्चे तो गरीब के बच्चे पढ़ने के लिए थे, जो स्कूल नहीं जा सकते हैं, कन्वेंट में नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन इस तरह की बात नहीं है, अब तो अच्छे अच्छे लोगों की भी बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, इस गर्मी में पानी के बाहर लोग लाला कर रहे हैं, लैट्रिन बाथरूम होना चाहिए जो आते हैं उनके लिए, मैंने सरकारी स्तर से, सरकारी स्तर से होना चाहिए, जिसका रख रखाव साफ सफाई सरकार की ओर से आदमी रख के किया जाए। हाँ, जैसे हमने भी यहाँ पर परिसर पूरा घूमा तो थोड़ी गंदगी की मतलब है, गुंजाइश है, साफ करने की गुंजाइश है, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।